दोस्तों अगर आप भी Amazon और Flipkart पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं नॉन ब्रांडेड जो जेनरिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिस्ट करके सेल करने में। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, अगर आप Amazon पे जाकर देखेंगे और सर्च करेंगे जेनरिक प्रोडक्ट्स तो आपको साड़ीज मिल जाएगी, आपको होम अप्लायंसेज मिल जाएंगे, आपको टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, टी शर्ट, शूज, काफ़ी सारे जेनरिक प्रोडक्ट्स आपको जो है Amazon पे मिल जाएंगे। इनको सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको शुरू करने में बता देता हूँ कि आपको कोई ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से भी जो है कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ब्रांड नहीं होता है। लेकिन ये जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, बट स्टिल आई हैव मेड फ्यू वीडियोस, मैंने पास्ट में कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि लोग जेनरिक प्रोडक्ट सेल करके भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको जानने बहुत जरूरी है, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज हम बात करेंगे जेनरिक प्रोडक्ट्स के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहली चीज जो है वो है कॉस्ट एंड प्राइसिंग। देखो आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से ला सकते हो काफ़ी सस्ती रेट में, अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही सस्ते में एक्वायर करके आप मार्केट से बल्क में लाके इन्हें लिस्ट कर सकते हो और इन्हें सेल कर सकते हो। लेकिन इसका जो ये एडवांटेज मैंने बताया तो उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है, वो ये है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं तो आप इसमें हाई प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। रीज़न कि ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही एक साधारण सी भाषा में कहूँ तो सस्ते सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर कस्टमर जो है ना वो क्वालिटी के बारे में सोचता भी नहीं है कि इसकी कोई क्वालिटी होगी, इसके अंदर बहुत अच्छा आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएगी। सस्ते सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके जो मार्जिन हैं वो थोड़े से लो होते हैं, इसमें आप हाई प्रॉफिट के साथ मार्जिन में सेल नहीं कर सकते। जो अगली चीज़ है दोस्तों वो है ब्रांडिंग और ट्रस्ट। देखो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो बिना ब्रांड के आते हैं, ठीक है। अब बिना ब्रांड के आने की वजह से आपको इसके ऊपर किसी प्रकार के कोई पैकेजिंग पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के बॉक्स को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबल्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि आप बिना किसी ब्रांड के इसको लिस्ट करके सेल कर सकते हो। इसी के साथ डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसके ऊपर इजीली कस्टमर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, और ट्रस्ट नहीं होने की वजह से कस्टमर रिव्यूज़ और जो फीडबैक है वो भी मिले जुले आते हैं, और Amazon और Flipkart पर ग्रो करने के लिए कस्टमर रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कस्टमर रिव्यू अच्छे नहीं हैं तो सेल्स भी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये एक समस्या है, एक डिसएडवांटेज है कि आप कस्टमर को उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है और उस पर इतनी क्वालिटी आप जो है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी कम होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है नॉन ब्रांडेड और जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने का। अब जो अगली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। अब एडवांटेज क्या है, देखो कि आप मार्केट से कैसा भी प्रोडक्ट ला सकते हो, आपको ज़्यादा ब्रांडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पैकेजिंग ऐसी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, डिज़ाइन ऐसी, जितनी आप मल्टीपल डिज़ाइंस लाना चाहो ला सकते हो, मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल और ज़्यादा ब्रांडिंग में और इसमें इनोवेशंस में जाना है तो आप जेनरिक प्रोडक्ट क्यों सेल करोगे, आप अपना ही ब्रांड बनाओगे ना, अपने ही प्रोडक्ट को सेल करोगे। अगर आप मार्केट में देखोगे और शार्क टैंक इंडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में देखोगे तो लोगों ने अपने ब्रांड बनाए हैं, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट। देखो ब्रांड सिंपल सी चीज़ है कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपके ट्रेडमार्क लगा हुआ, आपका ब्रांड लगा हुआ है, वो आपकी खुद की कंपनी है, ये होगी ब्रांडिंग। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ब्रांडिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें कंसिडर की जाती है, लेकिन साधारण सी चीज़ अगर बोली जाए तो वो सिंपल सी बात यही है कि आप एक तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप भी चाहोगे ना कि ज़्यादा एफर्ट्स आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे सेल करो। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि इसके ऊपर आप ज़्यादा है ना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, इनोवेशंस इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये एक इसके अंदर डिसएडवांटेज है। अगला जो पॉइंट है वो है मार्केट सैचुरेशन और उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन। देखो मार्केट सैचुरेशन क्या है, एडवांटेज तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सीधी सी बात है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहे जितने अलग अलग कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं और आप चाहे जितने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसमें कॉम्पिटिशन बहुत मिलेगा क्योंकि इसके कोई ब्रांड नहीं है, तो इसे कोई भी ला सकता है, किसी भी मैन्युफैक्चरर से लाके उसे लिस्ट कर सकता है, तो यहां पर एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम लोग जेनरिक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो यहां आपको बचकर रहना है कि क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट का कोई ब्रांड
करनी है तो कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी दूसरा सेलर आपके जैसा प्रोडक्ट लाकर उसे लिस्ट कर सकता है, उसे सेल कर सकता है, या फिर आप ही की लिस्टिंग में वो उसे जो है मैप करके सेल करना शुरू कर सकता है शायद आपसे कम रेट में। तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक जो है डिसएडवांटेज यहाँ पर आता है। एडवांटेज तो मैंने बताया कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला सकते हो, अलग अलग जितनी मर्जी है उतने प्रोडक्ट लाओ, कोई ब्रांड ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है। लेकिन एडवांटेज के साथ जो डिसएडवांटेज आया वो ये है कि इस प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है दूसरे सेलर्स भी जो है सेल कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है दोस्तों, जेनरिक प्रोडक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स कर सकते हो उस कस्टमर्स को, है ना। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग नीच के प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होंगे, आप ज़्यादा लोगों तक जा सकते हो। अगर आप टी शर्ट सेल कर रहे हो तो पूरी की पूरी टी शर्ट वाली एक नीच आपके सामने खुल गई। अगर आप होम अप्लायंसेस, कोई घर का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, छोटा मोटा टूल बॉक्स सेल कर रहे हो, तो उसकी एक अलग कैटेगरी, अलग नीच, अलग ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप एक सेलो कंपनी की वाटर बॉटल खरीदते हो या फिर आप मिल्टन की वाटर बॉटल खरीदते हो और एक जेनरिक वाटर बॉटल खरीदते हो, ठीक है ना। तो जो कस्टमर है उसे मालूम है कि यार ये जेनरिक प्रोडक्ट मैंने खरीदा था 5 महीने पहले 6 महीने पहले, अब ये अवेलेबल है या नहीं है आई डोंट नो। लेकिन यही अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट होता तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर को पता है कि यार मिल्टन की मैंने ये 1 लीटर वाली बॉटल खरीदी थी, बहुत अच्छी थी, ये मैंने मेरे लिए खरीदी थी, अब मैं मेरी सिस्टर के लिए, मेरे ब्रदर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए लेना चाहती हूँ, तो मैं वापस उसको। तो कस्टमर रिटेंशन जो होता है ना कि भाई रिपीट कस्टमर मिलना, वो जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है। और मतलब एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम कस्टमर मिल जाएगा, आप रिटेंशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है जेनरिक और नॉन जेनरिक प्रोडक्ट्स में। तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपको ध्यान रखना है। अब उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आती है, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको किसी भी हाल में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप प्रोडक्ट बिल्कुल लो क्वालिटी के लाओगे ना तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, मैं आपको ये बात अश्योरिटी देता हूँ। अगर बिक भी गया तो वो कस्टमर रिटर्न आ जाएगा और उस पर पुअर फीडबैक आ जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग पे फोकस करना है। कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग्स पे पहले पॉइंट से फोकस कर पाओगे कि क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रेटिंग्स और रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को अडॉप्ट करना है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस टाइप की प्रोडक्ट किस प्राइस में सेल कर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस आपने जो लाई है आपका कॉम्पिटिटर उससे सस्ते में सेल कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा में सेल कर रहे हो तो वो आपको किसी भी रूप में काम में नहीं आने वाली है, आपको सेल्स भी नहीं मिलेगी, राइट। जो अगली चीज़ है, फोर्थ पॉइंट है कि आपको मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट आप लाओ, उन्हें लिस्ट करो, उन्हें सेल करो। और जो लास्ट पॉइंट मैं इसमें कंसिडर कराना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रमोशंस ऑप्ट इन करो, कूपन्स ऑप्ट इन करो, कैसे प्रोडक्ट पे प्रमोशन लगाने हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। देखो, हमारा एक पेड कोर्स है Amazon का भी और अभी हमने Flipkart का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा पेड कोर्स लीजिए, हमारा पेड कोर्स लीजिए, नहीं। मैं 4 साल से YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि जितनी वैल्यू मैं आप लोगों को मेरे YouTube के वीडियो से दे सकूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से भी अगर आप एक प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो क्योंकि आप पेड कोर्स ले रहे हो, तो नीचे मैंने लिंक दिया है कोर्सेज का, आप उस पर जाके हमारे दोनों कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आपको जो ठीक लगे आप ले भी सकते हो, और एल्स आप हमारे YouTube के वीडियो से भी सीख सकते हो। मैंने साइड में लिंक दे दिया है, पूरी Amazon की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसपे Amazon पे कैसे सेल किया जाता है, बेसिक वीडियोस है जिनसे आप एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।